हारिस रऊफ ने बॉलिंग से तो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वहां जाके कि भाई हमने 20-30 रन शॉर्ट करे, हमने ये करा, हमने वो करा। तो मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं ना कि लक जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अबे भाई तो लक पे खेलना है तो फिर जाके टॉस कर लो ना, जो लक आया वो जीत गए। वाह वो देखो ना किस तरह कामरान गुलाम का मजाक उड़ाया गया। फिर आपने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी मुझे अजीब सी लगी, यानी या तो उनकी कप्तानी अजीब लगी। नहीं सिकंदर बख्त की क्या भाई, मैं अपनी राय दूंगा ना, मैं किसी की सुन के थोड़ी बोलूंगा कि फलाने जो बोला मैं उसका कॉपी पेस्ट कर दूं। मुझे लगा यार ट्रेनिंग से जो असद शफीक उनके पीछे थे ना, वो मोहम्मद रिजवान के दिमाग में वो बात थी, वरना मोहम्मद रिजवान एक और चेंज चाह रहे थे इस टीम में, मगर हसनैन को जबरदस्ती इस टीम में डलवाया गया। हसनैन या फिर हारिस? हारिस तो अभी हारिस तो कहीं नहीं जाते, क्या पता हारिस ही अगले कप्तान बन जाए। हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो बेस्ट मौका है, फकर नहीं है, शाहीन सही नहीं चल रहा, तो उन्होंने बोला भाई हारिस से ही कैश करो कलेंदर को। हारिस रऊफ तो ये आपने कुछ ज्यादा ही यार, 10 वाइडे करी है उस बंदे ने यार, आप देखो यार हारिस रऊफ ने 10 वाइडे करी है यार। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि हसनैन की जगह हारिस रऊफ को नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्सपीरियंस बॉलर तो वो है ना, ये जो हसनैन थे वो काफी अरसे के बाद इंजरी के बाद आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये, जब आप 3 फास्ट बॉलरों के साथ जा रहे हो, नसीम, शाहीन, हारिस, तो फिर हसनैन का बनता नहीं था।